हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमम क्लास। आज हम फोर ईयर सीरीज़ की नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को रेक्टिफाई करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट निकालेंगे। रेक्टिफायर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जिसके अंदर आउटपुट वेव फॉर्म हमें हाफ वेव की फॉर्म में मिलता है, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर जहाँ पे हमें कंप्लीट आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर कंप्लीट वेव मिलती है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम फॉरियर एक्सपेंशन ले रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग होगा ओमेगा टी। फॉरियर एक्सपेंशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई ओमेगा टी। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से हाफ वेव मिलेगी, यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही है, देन हमें यहाँ पे हाफ वेव मिल रही है। इसका जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा वो हम यूज़ करेंगे ई नोट, दोनों वेव के लिए सेम रहेगा। ये ओरिजन है जीरो से यहाँ पाई, पाई से टू पाई, देन थ्री पाई, आगे नेक्स्ट अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे हाफ वेव मिलेगी। अब देखो इसका जो फंक्शन होता है आउटपुट को हम मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ई ओमेगा टी इक्वल्स टू, यहाँ चलेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जीरो से लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई की फॉर्म में। सेकेंड जो फंक्शन है यहाँ हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, जीरो से पाई मिला, पाई से टू पाई नहीं मिला, तो यहाँ जो फंक्शन है उसको हम क्या लेके चलेंगे जीरो, और यहाँ पे वैल्यू क्या चलेगी पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन टू पाई। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल आउटपुट आ जाएगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो ये जो फंक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि ओमेगा टी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इसको इजी और छोटा बनाने के लिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन एक्स जीरो लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई, यहाँ पे जीरो चलेगा, पाई लेस देन एक्स, यहाँ पे एक्स लेना है ओमेगा टी की जगह। ठीक है, लेस देन क्या आ जाएगा टू पाई। तो यहाँ पे जो ई एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोरियर एक्सपेंशन को, और इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, जीरो से टू पाई की फॉर्म में। तो देखो फोरियर एक्सपेंशन को जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे ई एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए नोट का कॉफिशियन निकला है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए नोट के लिए वन अपॉन टू पाई जीरो से टू पाई। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ई एक्स, ई एक्स के अंदर हमें क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे वन अपॉन टू पाई जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई है तो पहले हम लेंगे जीरो से पाई। अब देखो जीरो से पाई यहाँ पे क्या फंक्शन है हमारे पास, ई नॉट साइन एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या लेंगे पाई से टू पाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो, और क्या चलेगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो टर्म क्या है जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म चलेगी। देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वन अपॉन टू पाई यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस कॉस एक्स जीरो से पाई, और सेकेंड टर्म जीरो है ही। ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन ई नोट को हम बाहर निकाल लेते हैं अपॉन टू पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस साइन यूज करते हैं माइनस यहाँ है तो क्या बन जाएगा प्लस कॉस जीरो। ठीक है, अब देखो कॉस पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल, और माइनस वन यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस जीरो किसके इक्वल होता है वन के, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ई नोट अपॉन टू पाई, टू से टू कैंसिल, तो ए नोट का कॉफिशियंट हमारे पास क्या आ गया ई नोट अपॉन पाई, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए एन का निकालना है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वन अपॉन पाई, डायरेक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, पहले
पहले लिमिट चलेगी 0 से पाई, फंक्शन लिखेंगे ई नॉट साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस, नेक्स्ट हम लेंगे पाई से 2 पाई 0 कॉस एन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हमारे पास, इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, ए एन इक्वल्स टू ई नोट को हम बाहर निकाल लेंगे, ई नोट अपॉन क्या आ जाएगा पाई, और अंदर हमारे पास टर्म चलेगी कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं 0 से पाई कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला 2 कॉस ए साइन बी, किसके इक्वल होता है ये फार्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है, ब्रैकेट में रीज़न डाल देना आप ये, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन पाई 0 से पाई, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे साइन, यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं साइन एन प्लस वन एक्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स, और यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा ई नोट अपॉन 2 पाई, साइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 को हमने बाहर निकाल लिया इस स्टेप में, साइन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट चलेगी 0 से पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, माइनस कॉस आएगा, माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे लिमिट जो चलेगी वो होगी 0 से पाई, सेम लिमिट रहेगी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है, ये लिमिट कहाँ पुट करनी है हमें, एक्स की जगह इसकी वैल्यू रखनी है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, e नॉट अपॉन 2 पाई कॉस n माइनस 1 पाई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 पाई माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है कॉस n प्लस 1 इंटू पाई, किसके इक्वल होता है ये, कॉस एन माइनस वन इंटू पाई के इक्वल होता है, तो ये रीज़न देंगे हम साइड में और इसको लिख लेंगे, तो ये टर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी ई नोट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉस एन माइनस वन पाई माइनस वन, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है, और यहाँ पे हम अंदर क्या करेंगे एन माइनस वन और एन प्लस वन ये टर्म लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन माइनस वन वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई यहाँ पे अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई नोट अपॉन 2 पाई, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस वन, ये वैल्यू फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2n² - 1, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, एलसीएम लेके नहीं दिखाया है क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक बहुत बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ स्टेप लिख रही हूँ, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ई नोट अपॉन पाई माइनस वन एन माइनस वन माइनस वन अपॉन n² - 1, ये स्टेप आप नोटबुक में सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। ए नोट की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, पहले यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑड नंबर्स, n की वैल्यू जब हम ऑड ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। देखो अगर हम यहाँ पे ऑड वैल्यू लेते हैं, ऑड में हमने 1 लिया, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, सॉरी 1 के इक्वल। ऐसे ही अगर हम यहाँ 3 ले रहे हैं, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे ये माइनस का क्या होगा प्लस का, तो 1
प्लस का वन माइनस का क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऑड में हमें ज़ीरो ही वैल्यू मिलेंगी, लेकिन जब हम इवन केस लेके चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने टू रख दिया है, फोर रख दिया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आएगी वन अपॉन पाई टू ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए एन का कॉफिशियंट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे बी एन का, थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये, वन अपॉन पाई, जीरो से हम लेंगे पाई, यहाँ पे चलेगा ई नॉट साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई से टू पाई जीरो साइन एन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो। हमें क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट केस को सॉल्व करना है, तो उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ई नोट को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर वैल्यू बची पाई, और यहाँ चलेगा जीरो से पाई साइन एन एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, ऐसे इसको हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में लिख रहे हैं फॉर n इज वन, अगर n की वैल्यू वन है तो बी एन लिखते हैं, n की जगह वन रख देंगे, जो n की वैल्यू होगी उसको वन रखते चलेंगे हम, e नोट अपॉन पाई, यहाँ पे जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। देखो हमारे पास टर्म जो है वो ये आई थी लास्ट में, n की जगह हमें क्या रखना है वन, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वन लिख लिया है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ई नोट अपॉन पाई, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स, ये चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टू को बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ई नोट अपॉन टू पाई, और जीरो से पाई डी एक्स को वन से कराएंगे डी एक्स, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोनों टर्म्स को, यहाँ पे लिमिट चलेगी जीरो से पाई, ठीक है। तो ई नोट अपॉन टू पाई, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एक्स का क्या आ जाएगा एक्स, और कोस का जब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा साइन टू एक्स अपॉन टू, और यहाँ लिमिट चलेंगी जीरो से पाई, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ई नोट अपॉन टू पाई, यहाँ पे भी हमें लिमिट पुट करनी है यही वाली, और यहाँ भी यही करनी है, इसको अलग अलग भी लिख लो चाहे डायरेक्ट लिख लो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगी पाई, और लोअर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट स्टेप में जब हम पाई रखेंगे, साइन 180 जीरो होता है, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई डायरेक्ट जीरो, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची, तो इसका मतलब वी वन का जो कॉफिशियंट है पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, तो ई नोट अपॉन क्या आ गया टू आ गया। अब हम सेकेंड केस लेके चलते हैं, सेकेंड केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, फॉर एन इज ग्रेटर देन वन, अगर एन ग्रेटर देन वन है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे बी एन इक्वल्स टू ई नोट अपॉन पाई जीरो से पाई साइन एन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ई नोट अपॉन पाई आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे टू साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू, ठीक है, और इंटू में क्या चलेगा डी एक्स आ जाएगा। साइड में आप लिख सकते हो फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो रीजन देके। नेक्स्ट स्टेप में देखो बी एन की वैल्यू चल रही थी ई नोट अपॉन क्या होगा टू पाई, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग फॉर्म के अंदर, यहाँ पे ये इस तरीके से चलेगा साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, और लिमिट चलेगी जीरो से पाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन एन प्लस वन, लिमिट चलेगी जीरो से पाई, ये आ जाएगा। जब आप यहाँ पाई रखोगे तो साइन पाई जीरो होता है और साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो दोनों टर्म जो है वो क्या बन रही है यहाँ पे जीरो, तो इसका मतलब जो बी एन का कॉफिशेंट है वो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा जब हम एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं ग्रेटर देन वन, ठीक है, और जब हम वन रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जीरो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारी ये वैल्यू आई है ए नोट की ए एन की बी एन की, वो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, और इसको हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं वन बाय थ्री
cos 2x plus 1 by 15 cos 4x, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 by 35 cos 6x प्लस एंड अप टू सॉन, इस फॉर्म में चल रहा है ये। और यहाँ पे हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए ई नोट अपॉन टू साइन एक्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी जब हम इन वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखो ओमेगा टी जो है उसको हम क्या लिख के चल रहे थे, एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्स को ओमेगा टी की फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे जो ई नोट अपॉन पाई है ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जब आउटपुट हम लेंगे फॉर द डीसी तो वो किसके इक्वल होगी, ई नोट अपॉन पाई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी में एक और टर्म आती है आगे, रिपल फैक्टर, पढ़ा होगा आपने पहले, सुना होगा रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन आउटपुट एंड डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, आर इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड यहाँ पे आ जाएगा फॉर डीसी। अब देखो यहाँ पे अगर ये हम इस तरीके से लिख रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आउटपुट रेक्टिफायर के इक्वल है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे ई डी सी स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस ई डैश स्क्वायर आर एम एस, ये वैल्यू आएगी। देखो ई डैश आर एम एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट इन आउटपुट, और जो ई आर एम एस है वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये वाली वैल्यू इधर आके क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे ई स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डी सी, ये स्क्वायर इधर से जाएगा तो यहाँ के क्या होगा रूट। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ई नोट अपॉन टू के इक्वल होती है, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब डैश ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, रिपल फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ई रूट मीन स्क्वायर माइनस ई डी सी स्क्वायर रूट अपॉन ई डी सी। अब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए यूज़ किया जाता है ई नोट अपॉन टू का स्क्वायर, यहाँ पे डी सी के लिए होता है ई नोट अपॉन पाई स्क्वायर, या पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, और यहाँ डी सी की वैल्यू क्या होगी, ई नोट अपॉन पाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ जो रिपल फैक्टर आएगा वो आएगा 1.21, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।